press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। साल का आखिरी महीना है दिसंबर 2017 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा चलिए हम आपको बताते हैं। साथ ही हम आपको एक बोनस भी देंगे जिसमें हम केवल आपको एक उपाय बताएंगे जिसे करने से ये पूरा महीना आपके लिए सफलताओं से भर जाएगा और सभी कार्य आपके लिए आसानी से होंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ग्रह स्थिति बताते हैं। मासाराम में चंद्रमा मेष राशि के तृतीय भाव में, राहु कर्क राशि के षष्ठम भाव में, बृहस्पति और मंगल तुला राशि के नवम भाव में, सूर्य और शुक्र वृश्चिक राशि के दशम भाव में, बुध और शनि धनु राशि के ग्यारहवें भाव में, केतु मकर राशि के बारहवें भाव में चलायमान है। अब बात करते हैं 1 से 7 दिसंबर तक की। 1 व 2 को तीसरे स्थान में चंद्रमा का परिभ्रमण आपके व्यापार व व्यवसाय में इजाफा करेगा। पराक्रम व प्रतिष्ठा का ग्राफ निरंतर ऊंचा उठेगा। इस समय आपको लोगों, सहकर्मियों व बॉस की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 2 की शाम से 4 के मध्य कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे आपका मूड ऑफ हो जाएगा। किसी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार से फालतू की गलत फहमियां बनेंगी। यात्राओं में परेशानी होगी। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अजनबी व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करें। 5 से 7 के मध्य संतान के कैरियर व शादी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। शादी विवाह या सामाजिक समारोह में आपकी भूमिका हो सकती है। इस समय कैरियर व व्यापार की दृष्टि से उल्लेखनीय काम तो नहीं होगा। अब बात करते हैं 8 से 15 दिसंबर तक की। 8 को प्रतियोगी परीक्षा या मुकदमे आदि में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रणय व प्रेम प्रसंगों के भी योग है लेकिन अपने अध्ययन या कैरियर के साथ कोई समझौता नहीं करें। 9 व 10 को शनि का एकादश में योग व चंद्रमा का षष्ठमस्त परिभ्रमण उत्साह ऊर्जा व जोश से आपको सराबोर कर देगा। घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संभव है। इस समय काम का दबाव कुछ ज्यादा ही रहेगा। 11 व 12 को चंद्रमा का अष्टमस्त परिभ्रमण धन हानि के योग बनाएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। लेन देन व रुपयों पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करें अन्यथा विश्वासघात ही होगा। 13 से 15 के मध्य आपकी कार्यकुशलता व कार्यक्षमता में इजाफा होगा। जिस काम के लिए आप प्रयासरत थे वह काम किसी की मदद से हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 से 23 दिसंबर तक के समय की। 16 व 17 दिसंबर के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व प्रतिस्पर्धा के कारण नित नई चर्चाओं से घिरे रहेंगे। व्यापारिक अनुबंधन सोच समझकर करें। भागीदारी के काम में लाभ तो है परंतु आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करें अन्यथा धन हानि के रूप में उपहार मिल सकता है। 18 से 20 के मध्य आपका भीतरी ज्ञान योजनाओं व वित्तीय लेन देन में मददगार साबित होगा। गरीब व कमजोर लोगों के प्रति आपके मन में दया का भाव रहेगा। कंबल, स्वेटर आदि जरूरतमंदों को दान देंगे। 21 व 22 को आप अचानक किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। नौकरी व कामकाज में आपको समस्याएं आएंगी। बॉस व सहकर्मियों से संबंध इतने ठीक नहीं रहेंगे। 23 को आपके प्रयासों की सराहना होगी। यश प्राप्ति के योग है। चारों तरफ आपकी वाहवाही होगी। अब बात करते हैं 24 से 31 दिसंबर तक के समय की। 24 व 25 को भावनाओं से ज्यादा इस समय आपका दृष्टिकोण व्यवहारिक रहेगा। नौकर चाकर वाहन व भौतिक ऐश्वर्य के साधनों में इजाफा होगा। जिस कार्य के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे वह काम आपका हो जाएगा। 26 व 27 को आप नया निवेश कर सकते हैं। रोजमर्रा के व दैनिक उपयोग की कोई वस्तु आप इस समय खरीदेंगे। आने वाले वर्ष 2018 के लिए लक्ष्य व योजनाएं तैयार करेंगे। आर्थिक रूप से यह समय मिश्रित फलकारी रहेगा। 28 व 29 को धन हानि के योग है। रचनात्मक कार्यों की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। कड़ी मेहनत व कठोर परिश्रम से आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। वर्ष के अंतिम 2 दिन कष्टप्रद हैं। 30 व 31 को धन हानि के योग है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो इस महीने आपकी किसी एक समस्या का निराकरण हो जाएगा। आजीविका के क्षेत्रों में गति आ जाएगी। नौकरी हो या व्यवसाय समय सुधार पर है बल्कि कुछ आर्थिक लाभ भी होगा यद्यपि इतना नहीं होगा जितना की कामना आप कर रहे हैं। इस क्रम में कुछ समय व्यर्थ भी जाएगा। भाई बहनों की तरफ से कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। मदद का आश्वासन मिल सकता है। पद वृद्धि हो सकती है या कोई नया प्रस्ताव हो सकता है। संतान
शैतान की तरफ से चिंता बनी रहेगी। कोई व्यक्ति साथ छोड़ सकता है। षड्यंत्र से बचकर रहें। आपके नजदीक बैठा व्यक्ति ही तकलीफ देगा। व्यर्थ के खर्चे होंगे, उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। बनते काम में भी कोई बिगाड़ आ सकता है, अतः अतिरिक्त कौशल का परिचय देना होगा। राशि स्वामी राशि को देख रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास बना रहेगा। धार्मिक आस्थाओं में ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। वजन बढ़ने के संकेत है। खान पान पर नियंत्रण रखने से ही रक्षा हो पाएगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में, वो हम आपको बताते हैं। इस महीने आपको साझेदारी पूर्वक महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। किसी के बहकावे में आकर कोई कार्य न करें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। इष्ट मित्रों की ओर से सहयोग प्राप्त होने के योग बनेंगे। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य संबंधी विशेष बड़ी परेशानी होने की संभावना कम रहेगी। योग, ध्यान, पूजा पाठ आदि के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। मित्रों, हम आपको कुछ तारीखें बताते हैं जब आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, तो कृपया सावधानी बरतें। तो वो तारीखें हैं 11, 12, 21 एवं 23 दिसंबर। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति की। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। वाहन खरीदने की योजना बनेगी, इस संबंध में शीघ्र निर्णय न लें, सोच समझ कर ही निर्णय लें। अब बात करते हैं मित्रों आपके कार्य व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अनचाहे स्थान पर स्थानांतरण हो सकता है। अपने व्यवहार को अधिक सकारात्मक बनाने के लिए व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सामान्य लाभ होने के योग बनेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में मतभेद बढ़ सकते हैं। परस्पर सहयोग से मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें। मित्रों, अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। पति पत्नी के मध्य सामान्य रूप से तालमेल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की ओर से सहयोग आत्मक व्यवहार रहेगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं आपके बोनस उपाय की, जिसे करने से आपका ये महीना सफलताओं से भर जाएगा। तो वह उपाय है, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी है। देखते रहिए मोटूलाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए मोटूलाला। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।